और ये देखिए किनारे किनारे सांप जो हैं, छोटे छोटे सांप वो ऊपर आ चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका दोस्त एक्स अंसारी एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है और उसी के चलते जमुना का स्तर कहाँ तक पहुँचा, दिल्ली में क्या वाकई बाढ़ की संभावना है। और मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ ये देखने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ वजीराबाद पुल के ऊपर, कि वाकई जमुना का जो स्तर है, जल स्तर है, वो वाकई बड़ा है और दिल्ली का वाकई ख़तरे में है बाढ़ के। तो शुरू करता हूँ मैं ब्लॉक को, ब्लॉक के अंतर वहाँ से बने रही है। जैसे कि मैं जाकर आप लोग देख सकते हैं ये सिग्नेचर ब्रिज है और इधर की तरफ ये वजीराबाद का डैम। चलिए मैं अब आपको थोड़े से डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से जो पानी है और कितनी स्पीड से बह रहा है यहाँ पर, और ख़तरे के निशान से काफ़ी ऊपर है चल रहा है इस टाइम पानी, जो ख़तरे का एक निशान होता है। क्योंकि मैं इस टाइम मौजूद हूँ वज़ीराबाद के ऊपर और आप ये देखिए जो ये देखिए पिलर के नीचे मुश्किल से 3 फुट की जो ऊंचाई होगी यहाँ तक पानी ऊपर आ चुका है। और अगर हम इसी को लें लोहे के पुल से अगर हम कंपेयर करें तो लोहे के पुल के ऊपर खतरे का निशान के ऊपर पानी पहुँच चुका है, वहाँ से बिल्कुल लगा हुआ चल रहा है। क्योंकि वो पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है और आज के ज़माने के जो पुल हैं जिसे सामने सिग्नेचर ब्रिज है काफ़ी ऊंचा हो गया सरकार ने बनाया है, फिर भी वहाँ से भी अगर आप लोग देखेंगे तो तकरीबन 6 फुट के आसपास जो है उससे नीचे पानी बह रहा है। और पब्लिक देखें यहाँ पे किस कदर आई हुई है और ख़ास तौर पर जमुना नदी को देखने के लिए। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा नीचे से। ये देखिए जो आप लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल घाट है और किस तरह से घाट के ऊपर पहली सीढ़ी तक पानी आ चुका है। ये देखिए और जो सामने जो दर बने हुए होते हैं जो डैम के वो बिल्कुल उसके ऊपर से पानी बह रहा है। और आज सुबह ऐसा सुनने में भी आया है कि हरियाणा की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, सबसे आखिर में आप ही देखिए कितना प्रेशर से पानी जो है वहाँ से आ रहा है। और अगर इसी तरह के हालात बने रहे, बारिश इसी तरह कंटिन्यू रहीं दिल्ली के अंदर और पीछे से पानी इसी तरह छोड़ा जाता रहा तो दिल्ली में बाढ़ के हालात 101% बन सकते हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से काफ़ी जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जितने भी जो लोग जमुना के किनारे रहते हैं उन सबको चेतावनी दी गई है कि जमुना के साथ के इलाके जो आप खाली कर दो। और ये देखिए किनारे किनारे सांप जो हैं, छोटे छोटे सांप वो ऊपर आ चुके हैं। पब्लिक थोड़ी सी जो है अपना मनोरंजन करने के लिए भी आ रही है, जमुना के जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लोग। ये देखिए आप लोग किस तरह से लोग ऊपर बैठे हुए हैं। और मैं जो उस टाइम मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि मैं वज़ीराबाद के पुल के ऊपर हूँ इस टाइम, जो वज़ीराबाद का डैम है। ये देखिए सारी जो हरियाली पीछे से टूट टूट के आ रही है क्योंकि जो दरवाजे बने होते हैं सामने उसके ऊपर से पानी बह रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ फ्लाईओवर के ऊपर से जो कि वज़ीराबाद के ऊपर ये पीछे डैम बना हुआ है और लास्ट टाइम में हमने एक यहाँ का ब्लॉक कवर करा था। ये देखिए पानी कहाँ तक आ चुका है, बिल्कुल ऊपर घाट से लगता हुआ पानी चल रहा है। ये सामने सिग्नेचर ब्रिज, मुश्किल से सिग्नेचर ब्रिज से 6 फुट पानी नीचे हो गई है। तो भाई अभी तक की अपडेट देने के बाद वज़ीराबाद डैम पे से मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर वज़ीराबाद। जो वज़ीराबाद के ऊपर पुश्ते बने हुए हैं 9 नंबर 7 नंबर 10 नंबर जो ज़्यादा फेमस हैं उनके बिल्कुल सटे हुए जो है पुश्तों के ऊपर, तो सुना है ऐसा कि पानी वहाँ तक आ गया। थोड़ा सा आप लोगों को वहाँ का दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या सीन चल रहा है और एक दो निवासी जो है उनसे बात करेंगे कि क्या मजबूरियाँ हो जाती हैं उनकी, ऐसी मजबूरियाँ बन जाती हैं या खतरा बन जाता है जिस टाइम पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो ब्लॉग के अंत तक वहाँ से बने रहिए।
तो भाई वजीराबाद डैम की वीडियो बनाने के बाद मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेने के लिए आया हूँ वजीराबाद अंदर, जहाँ कॉलोनी बसी हुई है 9 नंबर और हनुमान चौक के ऊपर इस टाइम मौजूद हूँ मैं, और बिल्कुल जमुना के अंदर उतर चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल बाउंड्री है, और पानी देखिए कहाँ तक आया हुआ है। और इधर से अगर मैं दिखाऊँ पुश्ता, तो तकरीबन ये देखिए यहाँ से तो थोड़ा सा 8 फुट के आसपास की ऊंचाई है, लेकिन आगे अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 3 फुट के आसपास की वहाँ से पानी बॉर्डर पे बिल्कुल पुश्ते के ऊपर टच हो रहा है। और पीछे इधर की तरफ से जो है हरियाणा की तरफ से पानी छोड़ा जाता है इधर पीछे की तरफ से, और अब ये देखिए कि बिल्कुल ही किस तरह से पानी बिल्कुल लबों के ऊपर बिल्कुल मिल के चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री भाई सब पानी चल रहा है यहाँ का। और ये सामने सिग्नेचर ब्रिज आ गया, उससे पहले भी जो है वजीराबाद का जो डैम है वो है, और ये इधर वजीराबाद की कॉलोनी है। और इस जो पानी काफ़ी सालों के बाद ये ऊपर आया है, ये देखिए पब्लिक किस तरह से आ रही है। ये मंज़र देखने के लिए, और सामने एक दिल्ली की फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पर जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो पूरी झोपड़ियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं, वहाँ पर किसी का कोई पालतू कुत्ता फंसा हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से कंप्लेंट करी है। तो बिल्कुल उनकी कंप्लेंट करते ही फौरन जो है फायर ब्रिगेड आ गई उस कुत्ते को रेस्क्यू करने के लिए। फिलहाल बोट का इंतज़ाम चल रहा है। बहरहाल चलिए भाई, यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मिले हैं, हमें यहीं के निवासी रहने वाले हैं। भाई आपका क्या नाम है? सुमेल। और आपका? मोहम्मद सैफ। तो भाई आप लोग यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, वजीराबाद में ही रहते हैं। हाँ जी। आप लोग यहाँ क्या करने आए जबकि पानी भरा हुआ है जमुना के अंदर? भाई पानी देखना आए थे यहाँ, ये देखना आए थे कि पानी कितना स्तर जो है इसका कितना ऊपर आया है, और ज़्यादा ऊपर तो नहीं आया क्योंकि खतरा जो है बना हुआ है यहाँ पर। कब पानी कॉलोनी में आया कुछ नहीं कह सकते, पानी पीछे से और अभी छोड़ा जा रहा है, और जो है पानी बोल रहे हैं कि अभी और छोड़ रहे हैं पीछे से। तो मतलब ये है कि पानी जैसे कि पीछे छोड़ा गया है, और देखिए कहाँ तक ये पानी आ गया है, यानी कि अगर पीछे से पानी और छोड़ा गया तो पानी आपके जो पुश्ते पे 9 नंबर पे रहते हैं आप लोग? जी 9 नंबर पे रहते हैं। 9 नंबर पे रहे तो पानी वहाँ पे अगर जाएगा तो सड़कों पे पानी भर जाएगा, सड़कों पे पानी आएगा। जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं बेचारे, उनके घरों में पानी घुस जाता है, गोडाउन में नीचे बेसमेंट में पानी घुस जाता है, और कितने लोग तो पीछे जो है पानी जो है मोटर लगा के निकाल रहे हैं, उधर देखो पानी में पाइप लगा रखा है। जी जी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये पाइप लगाकर यहाँ का पानी निकाला जा रहा है। जो पीछे के पुश्ते के अंदर जो है, जो ये देखिए जो बिल्डिंग्स हैं, ये वाला सा जो हिस्सा है वहाँ का पानी निकाला जा रहा है। तो भाई ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को हमारी अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।